हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबको गुड मॉर्निंग। अभी बज रही सुबह की 10:30 और आज है मेरा व्रत, आज है शुक्रवार। तो बहुत एक साल बाद, बहुत टाइम बाद मैं ये व्रत रख रही हूँ, क्योंकि जब मैं व्रत रखने वाली थी, इनको देख सकते हो पहले तो आप, गुड मॉर्निंग, बहुत टाइम पहले रखने वाली थी, तो फिर पीहू हो गई। पहले रखती थी, पीहू पेट में आ गई थी, उसके बाद नहीं रखी, फिर पीहू हुई, बड़ी हुई, अभी भी उसको फीड कराती हूँ। बट अब ये है कि मुझे रखना है व्रत। मंदिर बनने का बहुत टाइम से इंतज़ार था हम लोगों की, जब मंदिर बन जाएगा तो हम प्रॉपरली सब कुछ करेंगे। हमारा मंदिर बहुत टाइम से नहीं बना था, तो आज का दिन मेरा कैसा जाता है ये ज़रूर आप लोगों को बताएंगे। डेली रूटीन ही समझ लेना आप इसको। और ये है कि हम व्रत कैसे करते हैं माता जी का, ये ज़रूर बताएंगे। पाटा वगैरह कैसे लगाते हैं, और ये व्लॉग देख के आप भी ज़रूर बताना कि आपके घर पाटा कैसे रखता है, मतलब कैसे रखते हो आप लोग। से व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। मैंने सोचा था कि आज मैं सब कुछ शूट करूँगी मैं क्या कर रही हूँ ये सारी चीज़ें, पर मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है। पता है मैंने नहा लिया था 12 बजे, उसके बाद मैंने पूजा वगैरह की। पापा एक बार सुबह कर देते हैं, फिर उसके बाद मैंने पूजा की, कोलैबोरेशन किया एक, और स्काई ब्लू कलर का मैंने ड्रेस पहन रखा था, बहुत प्यारा था, मैं खुद दिखाया नहीं पाई। फिर मैंने साबूदाना बनाया और पीहू को दूध पिलाने गई। मेरी किस्मत ऐसी, आज पीहू को दूध पिलाने गई, मम्मी ने साबुदाने के ऊपर चला दिया था, दूसरी बार वो चले गए ऊपर कपड़ों के लिए, और मैं पीहू को उधर फीड करा रही थी, तो वो साबुदाना पूरा ऐसा हो गया, ऐसे केक जैसा जम गया नीचे से, पूरा कड़क हो गया। तो वो भी ठीक से ज़्यादा खा नहीं सकती, क्योंकि मैं खाऊंगी उसके बाद पीहू दूध पिएगी तो उसका पेट दुखेगा। अभी इसको खाना खिलाने बैठी हूँ तो मैडम ने 2 चम्मच खाया है बस, और पूरा ये टिश्यू पेपर पूरा फाड़ दिया। इस टिश्यू पेपर से इसका मुँह साफ़ कर रही थी, इसके लिए हमने एक डब्बा यहाँ से रख के रखा है टिश्यू पेपर का। पता है मुझे आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी थी। एक बात थी जो हम लोगों ने बहुत टाइम पहले बोली थी कि मेरी लाइफ में एक अप एंड डाउन आया था। बहुत सारे लोग हैं जो छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को, पता मेरा प्रेगनेंसी में वेट क्यों नहीं बढ़ पाया, मतलब मेरे साथ प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ इशूज़ के अलावा मेरे साथ एक बहुत बड़ी चीज़ हुई थी, जिसकी वजह से मैं मेरी मम्मी के घर भी चली गई थी। तो मेरे को आप लोगों के साथ वो शेयर करना था कि मेरे साथ तो मतलब हुआ, उसके बाद भी मैं अच्छे से, मेरे को डिलीवरी हो गया। आप लोग जल्दी से हार मान जाते हो ना, तो हार नहीं मानना। तो मैंने सोचा था मैं वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी, तो होपफुली माही ने तो कह दिया था कि तुम अकेले बना लो, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, तो मैं अकेले बैठ के एक दिन वो आप लोगों से शेयर करूँगी। हो सका तो नेक्स्ट व्लॉग में उसी का लेकर के आऊँगी। आप लोगों को वो व्लॉग चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पीहू गोद में से उतर के, तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। इसको दो बार, एक बार खाना खिला दिया, दूसरी बार बस इसके लिए दाल थुली और रोटी बनाई थी, तो बस तो बस इसको वही खिला रही थी। बैठे बैठे से इससे बात भी कर लूँ। हाँ बेटा, आपको क्या बात करनी, करो जय जय बोल दो, जय 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 बोल दो तो बेटा, जय जय सबको। देखा, मेरी पीहू कैमरा फेस करना सीख गई। मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको ये ब्लॉग चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी बज गए 6:30 और अब मनीषा होगी तैयार। हाँ, तैयारी के साथ साथ कोलैबोरेशन भी करेगी। देखो पीहू को अभी कपड़े चेंज करके बाहर घूमने घूमने करने जाएंगे दादू के साथ। पीहू पाखी, अंदर एक मोटी बनियान पहनी है, ये पहना देती हूँ, और इसके ऊपर स्वेटर पहना देती हूँ ना, हो जाएगा। बस एक ही बोलते हैं पाखी, पाखी बोलो जल्दी पाखी। हाँ आज पाखी पाखी कर रही थी ना ये, आज पाखी पाखी पाखी, ओ पाखी ओ पाखी। देखो कपड़े खाते खाते कितने कपड़े गंदे करती है इस लड़की। साड़ी सुंदर लग रही है ना। बस 6:30 बज रहा है, एक बार जब मैंने आपको बताया था तब खिलाया था, फिर 3 घंटे बाद ही अभी सो गई थी, सो के उठी, थोड़ी देर खेला। मैं इसको हर 3-4 घंटे में थोड़ा थोड़ा खिला देती हूँ, वैसे तो 4 घंटे तो कभी नहीं होने देते, 2-3 घंटे पर ही सो गई थी, इसलिए 3 घंटे हो गए। तो बस अब इसको खिला दिया है, मेरी हालत देख सकते हो। बस मम्मी ने झाड़ू लगा दी है, मम्मी बना रहे चाय, और मैं जाऊँगी अब तैयार होने उसके बाद, क्योंकि पहला व्रत है। अदरवाइज मैं ऐसे भी कर दूँ, लेकिन मेरा पहला शुरू ही हुआ है आज, तो मैं चाह रही हूँ साड़ी वाड़ी पहन के अच्छे से करूँ। और वैसे भी इस व्रत में कोरे कपड़े पहनते हैं आज, मेरे से ना वो भी हो गया, नुकसान भी हो गया। हाँ फाउंडेशन ढूंढ गया, फाउंडेशन टूट के पूरा चूर चूर हो गया,
और उसके बाद फिर मैंने तेल बनाया सिर में वो लगाने वाला, वो तो फिर तेल भी गिर गया देखो। मुझे आके बोल रही मनीषा मैं तेको नया ला के देती हूँ, मैंने बोला क्या, बोलते धुल गया तेरा फाउंडेशन, कितना नंबर का शेड था, मतलब पूरा धुल गया, बोलते हाँ कितना शेड था। नहीं मैंने तो वो मतलब उसमें एक दूसरी डिब्बी में भर के रख दिया, नीचे थोड़ा सा धुला था। डिफिकल्ट क्यों कर लेते हो यार कपड़े पहनाना यार, डिब्बी चेंज कर दी मैंने। अभी अपन वो राम मंदिर देखने चलेंगे ना। हाँ, कभी मर्दन मॉल में कब, आज ही जाने का था, तुम ही आज नहीं गई, ऊपर चले गए। देखो देख रहे हो उसको, देख रहे हो, देख रहे हो इसका कपड़े पहनना, तो देखो पहले देखो इसको कपड़े पहनाने में ऐसे करती है जैसे पता नहीं इसको क्या, कपड़े निकालने में और कपड़े पहनने में, निकालने में तो फिर वो 2 सेकंड रोके खुश हो जाएगी, हाँ मेरे को नंगा पंगा कर दिया। पाखी वो दादू गए, अरे तुम जा रहे हो क्या, वो दादू गए, देखो दादू एक वाइप का पैकेट मम्मी खराब कर चुकी हूँ, ऐसे इसे इधर से तोड़ के पूरी वाइप्स निकाल कर, इतना बड़ा वाइप का, तो वहां से हटा लेना उसको, ऊपर रख दो। अरे कभी इसको जरूरत पड़ती तो करती हूँ ना, आज थोड़ी ठंड है ना, कल नहीं थी ना ठंड, आज थोड़ी ज्यादा ठंड है इसलिए इसको बाहर जा रही, तो सब पिनाएंगे। वो पता है इसके साथ मंकी कैप क्यों लेकर आई मैं, क्योंकि ना मैडम बहुत जल्दी कैप निकाल देती है, इसलिए इनके लिए नया तरीका सोचा मैंने। ठीक है तो आपसे पूजा में मिलते हैं। तो ये हो गई है पीहू रेडी, पीहू पीहूड़ा, ओ पीहूड़ा मुझे आप देख सकते हो, मेरी चोटी पकड़ खड़ी हो जाती है ये, पगले आज हम नजर आए कैसा है। तो तैयार होना हुआ कैंसल, क्योंकि मुझे पीहू को लेके जाना है हॉस्पिटल, मुझे 2 दिन से उसको लेने जा लेके जाना था पर मैं जा नहीं पाई, जस्ट बिकॉज ना उसके मम्मी पेट में कीड़ा हो गया पीहू को, बच्चों को होते ही तो वो अभी इसको लूज मोशन हो रहे थे, तो मैडम ने वो दवाई नहीं दी उसकी, वो और उसकी आँख में थोड़ी सी लग गई थी, वो भी मैडम ने बोला एक बार चेक करा लो, तो वो दिखाने जाना, फिर भी मैं साड़ी पहन के रेडी वगैरह होंगी पूजा करूँगी तो मैडम का टाइम निकल जाएगा, तो इसलिए इस बार का कैंसिल मैं नॉर्मल सूट पहन लेती हूँ, वो पहन के ही कोलैबोरेशन सॉरी पूजा कर देती हूँ। बहुत टाइम बाद मनीषा ने ये व्रत किया है, जब पीहू आ गई थी प्रेगनेंसी में और फिर उसके बाद में उसका जन्म हो गया, उसके बाद में फिर ना अब वो 1 साल की हो गई, फीड करती थी तो मम्मी ने करने नहीं दिया, आज ही मना कर रही थी मिला भी रहने दे, पर अब मेरा दिल नहीं माना क्योंकि जैसे मंदिर रेडी हो ना तो एकदम से आस्था ऐसी जागी पूजा करने की। ऐसे हमारे यहाँ ऐसे पाटा रेडी करते आप लोग क्या कैसे करते हैं जरूर बताना। चावल के ढेर पे बिठाते हैं, चावल का ढेर लेके आती हूँ मैं। दूध तो अपन जब आरती कर देंगे ना उसके बाद लास्ट में ले लेंगे। पहनते हैं तो इसलिए मैंने फिर कोरा ही पहना, मेरा मन नहीं करना दूसरा पहनने के लिए, क्योंकि बोलते पहले उपास में कोरा कपड़ा पहनना चाहिए, फिर भले आप पहन सकते हो लेकिन पहले मैं कोरा ही पहनती हूँ। तो मेरा पाटा पूरा रेडी हो चुका है, सौदे की कुछ चीज़ रखते हैं, तो मम्मी ने बोला कि इस बार तेरा मंगलसूत्र अभी नया ही बनवाया है मोती वगैरह, तो ये रख ले, सोने की जो भी चीज़ हो वो रखते हैं। आप लोग क्या कैसे पूजा होती बताना, अभी तो बस तैयारी चल रही है, पहले मैंने घर की दियाबत्ती इसलिए कर दी,
जल्दी जल्दी में कर रही हूँ क्योंकि रोहित को हॉस्पिटल में लेके जाना है, मुझे अभी पता चला है जस्ट। घी का लगाते हैं, तेल का नहीं लगाते। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भुगतने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति के बजाय रोडपति बन गया। माँ यानी रास्ते में भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। जय लक्ष्मी माता तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्मानी तुम ही जग माता उमैया बोलो बेटा जय। आप तो हमारे घर की सबसे बड़ी माता रानी है, लक्ष्मी माँ। आप ही तो मेरी लक्ष्मी माँ है ना। जय बोलो जय बेटा। मेरा बेटा छोटा सा यार, आपकी भी ना, आपकी भी हाँ। इधर मोशा करो बेटा, मोशा करो। इधर इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। बस शाबाश। अच्छा तो खाना पड़ेगा, नहीं खा रही। खुश रहो सदा। स्वागत स्वागत है तो बहुत सारी बहुत आ रही। चलो अस्पताल। जीती रहो। चलो हॉस्पिटल चलो। मम्मी आए हम लोग हॉस्पिटल से। चलो फिर। हाँ जी, सो अभी बना रहे हैं मम्मी करेले। ये बन चुकी है, पराठे दीदी बना के जा चुकी हैं। और पीहू को डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ा सा, पीहू को मैडम ने बोला है कि थोड़ा सा ब्लड का क्लॉट जम गया है उसकी आंखों में जो उसको लग गई थी, तो उसके लिए ड्रॉप दिया है, बोला उससे ठीक हो जाएगा। और जिसको कीड़े वीड़े हो गए पेट में उसके लिए दवाई दे दी है, वो भी ठीक हो जाएगा। कीड़े तो इसको ही बहुत हुए थे, पेट में कीड़े हो जाते हैं इसके ही बहुत। हाँ, को इतना बड़ा किया हुआ है, इतना बड़ा एक ही निकला था। दो अभी भी उसके पेट में है कीड़े, क्योंकि उसको सफेद सफेद दाग हो रहे हैं। तो कीड़े होते तभी होते। बच्चे ने ना बेटा खड़ा होता है ना, पाखी 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 पाखी। पापा सुन रहे, पाखी 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 पाखी। जय कर दो, जय जय कर दो, जय पाखी। तन तन बजा पर तन तन पाखी रट लग गई उसको, पाखी पाखी। अच्छा पीहू तन तन बजा तन तन, मैं ही सुन रहा हूँ। तन पाखी 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 पाखी। हमें अपना मंदिर ऐसे कितना सुंदर लगता है ना, कि जैसे मैं ऐसे करके कभी इसकी तरफ लेती हूँ तो मंदिर की तरफ हटने का मन ही नहीं होता। चलो तन तन करेंगे, तन तन इतना सुंदर है यार। हाँ जैसा चाह रहे थे एक्सपेक्टेशन, मतलब 100% रिजल्ट आया। तन तन
मुझे बोला मनीषा जल्दी आ जल्दी आ, मैंने बोला क्या हुआ ये हुआ वो इधर ऐसे ही चिपक के बैठी भी थे पीहू गिर जाओगे पीहू डर नहीं लग रहा डर तो लग रहा है कुछ 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 उसको तो लग रहा है करूंगी तो गिर जाऊंगी सो चुके हैं बेटे चार्ज हो रही रात को 4 बजे उठने के लिए और मम्मी ने मुझे बुला लिया तेल लगाने के लिए मैंने तो लगा लिया वैसे ही बहुत ज्यादा सिर दुख रहा है ये बहुत दुख रहा है मुझे तो ये तेल घर का बना हुआ तेल है ये किसी को अगर चाहिए कि कैसे बनता है तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में तो हम लोग एक दिन जब मम्मी पूरी की वन बाय वन सारे प्रोसेस बताएगी कि पहले क्या डालना चाहिए ना इससे बाल झड़ने एकदम बंद हो जाते ना बढ़ते भी है झड़ने तो यही है हमारे बालों का राज बाकी आप लोगों को अगर जानना हो तो हम लोग बता देंगे बताना ज़रूर बहुत अच्छा तेल है वो मेरी फोटो वाले के साथ जो ब्लॉग डाला था वो कहेगा था वो यही था क्यों वो देखो लगती ना लड्डू तुम्हारे जैसे इन पे चली गई मेरी बेटी बस कृष्णा बोल रहा था चाचा जैसे नहीं जाना तो इस व्लॉग को कर रहे यहीं पे एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में प्लीज इस व्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा बाय बाय बोल दो बाय गुड नाइट बता था मुझे